अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से भगत सिंह जयंती का पोस्टर बनाना चाहते हो तो इजीली बना सकते हो। सो गाइस जिस भी पोस्टर का मैं आपको ऑल मटेरियल दे दूंगा, जैसे कि गाइस आपको जीप फाइल के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे PLP फाइल मिल जाएगी जो कि पूरा फुल एडिटेबल होगी। एंड गाइस उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते इस तरह से ब्लैंक पोस्टर दे देंगे जहाँ पे किसी भी तरह का इंट्रो बैनर लगा सकते हो। एंड इस तरह से चाहो तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, दो ब्लैंक पोस्टर दे देंगे। तो कभी बैनर पोस्टर नहीं बनाओ तो जीप फाइल के अंदर भेज दे देंगे। साथ में गाइस यहाँ पे देख सकते इस तरह से भी PNG वगैरह दे देते हैं, बैकग्राउंड दे देते हैं, तो आपको सब फाइल आपको एक ही जीप फाइल के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट नंबर पर लिंक है जीप फाइल को, तो वहाँ पर जाकर आपको जीप फाइल डाउनलोड कर लेना है साइट पर जाके। एंड गाइस जीप फाइल डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करते समय आपसे पासवर्ड भी पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो उसको आप डाल वगैरह के ओपन कर लीजिएगा। और पासवर्ड इस वीडियो में आगे कहीं भी देखने को मिल जाएगा, तो अच्छा से देखते रहिएगा। अब गाइज इस पोस्टर को आप किसी भी एप्लीकेशन में डिजाइन कर सकते हो, ब्लैंक पोस्टर से। एंड गाइज अगर PLP फाइल ऐड करना चाहते हो, ठीक है ना, तो ये रहा पिक्चर लैब एप्लीकेशन, इसको ओपन कर लेना। एंड इसमें आपको पिक्चर लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड गाइज इस एप्लीकेशन में आपको PLP फाइल को ऐड एंड ओपन कर लेना है। अगर आप पहली बार डिजाइन वगैरह कर रहे हो तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे PLP फाइल ऐड की जाती है, ठीक है ना, या फिर आप ब्लैंक पोस्टर लेकर नाम फोटो भी लगा सकते हो जो कि हर एक वीडियो में बताते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से हम PLP फाइल ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए ऊपर 3 डॉट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ओपन डॉट PLP फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। सो गाइस यहाँ पे हम PLP फाइल सिंपली से आपको दिखा देते हैं, ये रहा, ठीक है ना, और बैक बनना से बैक कर लूँगा। सो गाइस यहाँ पे पूरा फुल एडिटेबल है, चाहो तो इस यहाँ पे PNG दूसरा भी लगा सकते हो। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये हमने एक शेप बना दी क्योंकि हम नॉर्मल फॉन्ट में लिखे हैं, तो यहाँ पे शेप लेके आप भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, और भी कुछ लिखना चाहते हो तो, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे देख सकते हो गाइस काफ़ी मस्त से, और यहाँ पे इसका भी आपको शैडो का PNG वगैरह इस PLP फाइल में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, तो आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। एंड गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हमने डेट भी लिखे हैं, और यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखना चाहते हो गाइज इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ तक जो भी कुछ लिखना चाहते हो चेंज कर सकते हो। जो कि फ़ॉन्ट हमने कुरुतिदो का फ़ॉन्ट यूज किया हूँ, तो अगर आप यूनिकोड वगैरह निकालना जानते हो, ठीक है ना, तो इंडियन फोन कंप्यूटर एप्लीकेशन से यूनिकोड निकाल सकते हो। जानोगे क्यों नहीं, अगर रेगुलर वीडियो देखते हो तो मैं वीडियो में बताते रहता हूँ, बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ, ठीक है ना, अभी जो डाला है उसमें भी बताया हूँ, तो जाकर पिछला वीडियो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना, कि कैसे यूनिकोड निकालना है। एंड गाइस सबको चेंज कर सकते हो, जैसे कि इसको चेंज करना चाहते हो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक, यूनिकोड निकाले वगैरह का चेंज कर सकते हो। सो गाइस इसलिए बोलते हैं कि रेगुलर वीडियो देखा कीजिए, आप बैनर पोस्टर बनाना सीख जाओगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एंड प्यारा सा अच्छा सा कॉमेंट भी कर दीजिएगा, और लाइक तो कर ही दीजिएगा। एंड पासवर्ड यहाँ स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, देख सकते हो पासवर्ड। सो गाइस यहाँ पे अगर नाम चेंज करना है तो ये वाला हम 78 की पता नहीं कितना नंबर का फॉन्ट है, आप 35 नंबर वाला फोन सेलेक्ट कर तो, बट वो नहीं है, 48 या 78 नंबर का फॉन्ट है, देख सकते हो, ठीक है ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट खोजोगे तो मिल जाएगा, जो कि टेक्निकल PTS वाला पिक्चर में फॉन्ट है, ठीक है ना। अगर डिस्क्रिप्शन में से पिक्चर डाउनलोड किया तो उसमें मिल जाएगी। एंड गाइस इसको चेंज करने के लिए एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबको डिलीट कर देना है। एंड अपना नाम लिखोगे तो ओके करोगे तो चेंज हो जाएगा, फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर भी एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो, इसको भी चेंज कर सकते हो। सो गाइस पूरा फुल एडिटेबल PLP फाइल देते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आप चेंज करना चाहते हो तो फोटो, तो इस फोटो को आपको डिलीट कर देना है। एंड गाइस इस बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे गैलरी में जाकर यहाँ पे फोटो लेकर 2 बैक वगैरह कर लीजिए, ऐसा मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक वीडियो में बताते रहते हैं। अब गाइस यहाँ पे HD में सेव करने के लिए ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कस्टम पे क्लिक करके नीचे अल्ट्रा पे क्लिक कर देंगे, एंड सेव टू गैलरी में जैसे क्लिक करोगे आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी।